फुकरा के साथ अब दोस्ती करना चाहती है पूजा। पूजा चाहती है कि अब फुकरा उसकी गैंग में शामिल हो जाए। दरअसल अभिषेक को उसी के दोस्त जिस तरीके से धोखा दे रहे हैं, ये बात पूजा से छिपी नहीं है। पूजा ये बात अच्छे से समझ गई है कि फुकरा को उसी के दोस्त मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इसीलिए अब पूजा ने एक बार फिर से फुकरा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। क्या कहा है पूजा ने फुकरा को, हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल फुकरा इंसान जो है जिया, उससे तो धोखा खा ही चुका है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि आकांक्षा भी सुबह सुबह जैड के साथ मिलकर इसकी बुराइयां कर रही थी। एक बात तो तय है कि जैड भी फुकरा से नाराज़ हो चुका है। ऐसे में अब फुकरा के लिए सबसे बड़ी तकलीफ की बात ये है कि आखिरकार वो जाए तो जाए कहाँ। सिर्फ मनीषा एक ऐसी है जो उसके साथ बैठकर उससे बातें कर रही हैं और अपनी दोस्ती उसके साथ निभा रही है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से फुकरा ने भी अब बड़ा फैसला ले लिया है। हालांकि आज वो घर में अकेले ही बैठा हुआ नज़र आया, खाना भी उसने अकेले ही बैठकर खाया। पूजा भट्ट ये सब कुछ देख रही थी। पूजा बोलती हुई नज़र आई, तुम्हें तकलीफ नहीं तो हमें भी कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग कोई दुश्मन नहीं हैं, तुम बैठकर बातें कर सकते हो। तो एक बात तो है, फुकरा समझ गया कि पूजा भट्ट ने ये बात क्यों कही, क्योंकि पूजा भट्ट इस बात को ऑब्जर्व कर रही थी कि बाकी सभी जो दोस्त बनने का दावा करते हैं अभिषेक का, वो उसको लगातार इग्नोर कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टीवी धमाका को सब्सक्राइब करना ना भूलें।